हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमने गमले में थोड़ा सा मिट्टी रखा हुआ था, तो मैं इसमें डाल दिया पानी, जिससे कि मिट्टी थोड़ा सा मुलायम हो जाए। उसके बाद हम जो विष्णुकांत यानी अपराजिता का पेड़ मंगाए हैं, उसको फिर उसी में रोप देंगे। और ये देखिए, इसमें पानी डाल दिया था हमने गमले, तो इस पेड़ हरा भरा है, मुरझाया बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों, आप सबको बता दूँ कि मैं कल 2 दिन से बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े धुलने पड़े। पता नहीं कैसे अचानक काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए घर में, और 2 दिन से मैं लगातार कपड़े धुल रही हूँ। आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को हंसी आएगी, बट ये सच है कि कल से ही मैं कपड़े, थोड़ा बहुत काम घर के अलावा मैं कपड़े धुल रही हूँ। और जितने मैं कपड़े धुलती हूँ, उतने निकलते जाते हैं। पता नहीं काहे, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सारे कपड़े हो जाते हैं। तो कल कुछ कपड़ा धुला, फिर उसको सुखाया, फिर उसको उतार के लाया, तहा के रखा। उसके बाद फिर से आज मैं कपड़े धुल रही हूँ। और लगभग मैक्सिमम, मतलब मेरा दिन कपड़े धुलने में ही गया हुआ है। और कहते हैं वॉशिंग मशीन आने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट मुझे कोई फर्क नज़र नहीं आता है। मशीन में कपड़े धुलो, फिर वो काफ़ी उलझ जाते हैं, फिर उसे एक एक कपड़े निकाल कर ड्रायर में उसे सुखाओ, फिर उसे कपड़े इतने ज़रा सिकुड़ जाते हैं कि बिना प्रेस के कपड़े पहनने लायक नहीं रह जाते हैं। फिलहाल थोड़ा बहुत तो गर्मी, बारिश के मौसम में और ठंडियों के मौसम में तो वॉशिंग मशीन में काफ़ी आराम रहता है, लेकिन गर्मियों में मैं ज़्यादातर कपड़े हाथ से ही धुल लेती हूँ और निचोड़ कर सही रहता है, क्योंकि गर्मी तो ज़्यादा होती है, कपड़े धाने सूख जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है या तो ठंडी के मौसम में, तो उस समय वॉशिंग मशीन ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन थकान ज़्यादा हो जाती है। कोई विशेष फ़र्क वॉशिंग मशीन से या नॉर्मल कपड़े धुलने में नहीं होता है। महंगे कपड़े, नए कपड़े और जैसे कि बहुत सॉफ्ट कपड़े होते हैं, मुलायम कपड़े होते हैं, तो उनको मैं मशीन में बहुत कम ही धुलती हूँ, मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। जो भारी कपड़े होते हैं, जैसे कि चद्दर हैं, जीन्स हैं, भाई लोगों के स्वेटर वगैरह, यही सब मैं धुलती हूँ वॉशिंग मशीन में। फिलहाल जैसे भी है, कल से मुझे बहुत कपड़े धुलने पर बहुत ज़्यादा मैं थक गई, ऊपर से इतनी गर्मी, तो काफ़ी चिड़चिड़ापन, काफ़ी मतलब मूड मेरा अप हो गया है इस समय। और जब मैं वीडियो को मतलब एडिट कर रही हूँ, फिर भी मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ ही था, लेकिन जब सारे कपड़े धुल गए, मैंने उसको सब फैला दिया, तो उससे मेंटली काफ़ी आराम महसूस हुआ, क्योंकि जब काम पड़ा रहता है तो मुझे टेंशन लगा रहता, काम में निपटा ना लो। फिलहाल देखो, सारे कपड़े धुल गए हैं, अब ये कल सूखेंगे, कल इसको उतारा जाएगा, तो काफ़ी मूड ऑफ है मेरा, चिड़चिड़ापन भी काफ़ी आ रहा है, हमें लगता है थकान की वजह से। तो कहते हैं थकान बहुत ज़्यादा हो, मूड ऑफ हो, चिड़चिड़ापन हो, तो आप केले खाओ या चॉकलेट खाओ तो काफ़ी माइंड को रिलैक्स मिलता है। तो केला रखा हुआ था, तो मैंने सोचा काला नमक डालकर थोड़ा सा केला खा लेते हैं, और क्योंकि बिना काम के फुर्सत मिलने वाला नहीं है, बिना बैठे काम चलने वाला है, काम तो ज़िंदगी का एक अंग है। आप लोगों ने देखा कि मतलब आज की वीडियो में कि कितना काम करना पड़ गया। काम क्या मतलब, कल से आज तक मैक्सिमम मुझे कपड़े ही धुलने में बीते हैं। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, अक्सर इकट्ठा हो जाते हैं, बट 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही कपड़े मतलब इकट्ठा हो गए हैं। तो आज फाइनली हमने सब निपटा लिया है, अब जाके हल्का सा रिलैक्स फील हो रहा है, सब मतलब फील हो रहा है। और सबसे बुरा लगता है, मतलब मेरा मूड कभी कभी ऑफ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मूड मेरा मतलब इन टाइम में ऑफ है, आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, विशेषकर मुझे लगता है गर्मी की वजह से, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे कि मेरा घर जो है खुला बिल्कुल नहीं है, चारों तरफ से पैक है, इसलिए हमें लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी हम सबको लगती है। तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रखा है, मन कर रहा खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, और खूब मतलब हल्का सा रिलैक्स फील हो। उधर भी जब फरवरी में काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप नहीं निकल रहा था, पूरे जनवरी भर धूप नहीं निकला था, बारिश हो रहा था, तब भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए ना, हर मौसम में मतलब अपने हिसाब से गर्मी ठंडी बारिश हो तो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ कहते हैं ना, आती हर चीज़ की बुरी होती है, तो गर्मी की वजह से मिलता बहुत ज़्यादा मूड मेरा ऑफ है, तो इसलिए मैं मूड ऑफ करने मतलब मूड को सही करने की कोशिश कर रही हूँ। और कहते भी हैं कि बहुत ज़्यादा मूड अगर आप हो, चिड़चिड़ापन आए, गुस्सा लगे, तो चॉकलेट या केले खाने चाहिए, क्योंकि केले में कैसा मतलब प्रोटीन या पाया जाता है, तत्व पाया जाता है कि वो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करता है। और आप सबको बता दूं कि अगर आपको बीपी की भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, तो केला मैक्सिमम खाइए, करिए मतलब 2-3 केला आप दिन भर में खाएंगे तो बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा, नॉर्मल रहेगा,
तो ऐसा मैंने मतलब पढ़ा हुआ है। और कहते हैं कि खुश होने का जो मतलब हार्मोन स्रावित होता है केला खाने से, क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, तो केला खाना चाहिए। तो इसलिए मैं केले खाने जा रही हूँ, काला नमक डालकर। और एक चीज मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, ये गुड वाइब्स का फेस सीरम है। और अक्सर मैं इसी सीरम को यूज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज थी, मतलब बे इंतहा डैमेज थी न जानकारी की वजह से। तो जब से मैंने थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू किया है, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मतलब फायदा हुआ है। क्योंकि मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, मैं इसलिए आप लोग बता रही हूँ कि बहुत से लोग मेरी तरह होंगे जो कभी नहीं करते होंगे और स्किन डैमेज हो गई होगी। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, मैं करीब 1-2 साल से इसे यूज़ करती हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ये करीब 300 के अबव ही मिलता है, 400 के करीब मिलता है 30 ml का। बट इस समय अमेजन पर थोड़ा सा ऑफर चल रहा था, जब मैंने देखा डिस्काउंट में था तो मैंने इसे मंगा लिया है। ये 276 का मुझे मिला, 276 रुपये का मुझे मिला हुआ है। और एक मैंने ये मंगाया हुआ है निविया लिप बाम, इसकी पहले भी हमने आपको दिखाया था अपनी वीडियोज में। तो मतलब एक था मैं तो मतलब ऑफलाइन मतलब मार्केट से लिया था अपने पास के, और मैंने अमेजन पर देखा तो ये डिस्काउंट पे ये भी मिल रहा था। वैसे 199 का था, मतलब 199 रुपये का मार्केट में। और मैंने देखा अमेजन पर तो ये मुझे 139 का मिला है, 139 रुपये का मुझे मिला। तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया, क्योंकि एक मेरी भांजी लगाएगी और एक मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने हम लोग थोड़ा सा मतलब इस सब चीज़ शेयर कम करते हैं, सब लोग अपना अपना ही लेते हैं। तो अब तक चल रहा था कमाई, क्योंकि लिप्स की बात है तो हाइजीन के पर्पज से एक उसका हो गया, एक मेरा हो गया, और डिस्काउंट भी मिल गया है। और मैं आपको बता दूं कि जब दुकान वाले से लिया था तो उसने बताया था कि धीरे धीरे लिप्स को, अगर आपके लिप्स मतलब ब्लैक हो गए हैं, मेरे लिप्स काफ़ी ब्लैक हो गए हैं, और ये ब्लैक मतलब मेरा जो लिप्स हुआ है ये थोड़ा सा बहुत, पहले हमने पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन आती थी आपको पता होगा लगा लिया था, तभी ब्लैक हो गया था, वरना ब्लैक था नहीं मेरा लिप्स। मैंने बहुत प्रयास किया बट मतलब नॉर्मल नहीं हुआ। तो मैंने सुना इसको लगाने से लिप्स धीरे धीरे मतलब पिंक हो जाएगा, कालापन दूर हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो फिलहाल लगा रही हूँ मैं इसे करीब 1 महीने से, तो काफी मतलब फायदा हुआ है, ऐसा नहीं पहले की अपेक्षा काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो दोस्तों ये अमेजन से मैंने मंगाया हुआ है, अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ले सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट भी मुझे मिला है। और ऑर्डर करने के बाद मैंने देखा इसका दाम बढ़ गया था, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है, आप लोग अभी भी इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ना भी अच्छी लगी तो भी लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के चक्कर में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो वीडियो को लेते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।